आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं जो आपके रिलायंस क्लब का जो टेस्ट हुआ था एसएससी वाली सेगमेंट का, उसको हम डिस्कस करने जा रहे हैं। 51 नंबर से आपका मैथ का क्वेश्चन था और इस सवाल को आप ऑलरेडी पहले बना चुके हैं। हम उसको एक्सप्लेनेशन के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करते हैं। आप कोशिश ये करेंगे कि आप अच्छे से प्रोसेस को समझेंगे और उसके बाद एनालिसिस भी करेंगे। अगर कोई मेथड समझ में ना आया तो आप उस कॉन्सेप्ट को दोबारा रिवील करेंगे, दोबारा समझने का प्रयास करेंगे। पहला प्रश्न जो आपके सामने है वो है कि आकाश और विकास दोनों मिलकर के किसी काम को 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं, ठीक है, जबकि आकाश अकेले उस काम को 20 दिनों में पूरा कर सकता है। इस जगह पर मैं यूनिट का सजेशन कभी नहीं देता हूं किसी को, मैं खाली लिख दे रहा हूं कि अगर दो व्यक्ति मिलकर के किसी काम को 12 दिन में कर सकता है, ठीक है, और आकाश अगर अकेले उस काम को 20 दिनों में कर सकता, तो मैं यहां पर यूनिट का बिल्कुल सजेशन नहीं दूंगा। ये क्वेश्चन में ऑलरेडी लिखा हुआ, तो किसी भी दूसरे व्यक्ति के दिनों की संख्या निकालने के लिए आप जानते हैं छोटा छोटा ट्रिक किताब में लिखी होती है, ए बी बटे ए माइनस बी, विद इन सेकेंड में इसका उत्तर आएगा 30। क्लियर यहां तक? इस सवाल में मैं यूनिट का कोई सजेशन नहीं दूंगा। जैसे आप ए बी बटे ए प्लस बी करते हैं, उसी तरीके से जब दो व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति को निकाला जाएगा तो दोनों के गुणनफल बटे दोनों के अंतर। ओके, चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला जो प्रश्न है आपके सामने में, ये जो ग्राफ दिया गया है इसमें टोटल नंबर ऑफ प्लेयर्स हु वॉन मेडल इन द गिवन फोर गेम्स 2500, यानी कुल 2500 लोगों ने मेडल प्राप्त किए, जिसमें से 40% बॉक्सिंग में प्राप्त किए, मतलब ये 100 हो गए। 25% अगर देखी जाए तो उसका निकल जाएगा, फिर 15%, उसी तरीके से कराटे का भी निकल जाएगा 20%। क्वेश्चन में हमारे पास डेटा है स्टडी द फॉलोइंग पाई चार्ट, और ये हिंदी है और इंग्लिश भी है। तो बॉक्सिंग में कह रहा है कि कुल कितने खिलाड़ियों ने, पुरुष खिलाड़ियों ने कितने पदक जीते हैं। टोटल नंबर 2500, एक क्वेश्चन में देख लेता हूं, यहां पर सॉरी 2500 लिखा हुआ है, अंग्रेजी में 25 लिखा हुआ है, ठीक है, तो एक जीरो बैठा लीजिए आप, यानी 2500। ठीक, अब आइए, ये 2500 का कितना हो जाएगा, 40%, 1000। 2500 का 25%, 625। 2500 का 15%, 375। 2500 का 20%, 500, और हो गए टोटल। अब कह रहा है कि पुरुष खिलाड़ियों द्वारा जीते गए पदक की कुल संख्या ज्ञात करें, और यहां पर आप देखेंगे कि मेल फीमेल का आपको रेशियो भी दिया गया है। तो बॉक्सिंग में 3:7 का रेशियो था, तो बॉक्सिंग में अगर 3:7 का रेशियो है और मेल टू फीमेल, तो मेल की संख्या हो जाएगी 300 और फीमेल की संख्या हो जाएगी 700। उसी तरीके से रेसलिंग में अगर देखा जाए तो रेसलिंग में फिर रेशियो है 2:3:5, 125, 250 और 375। ये मेल हो गए और ये फीमेल हो गए, ठीक है। फिर है 4:1 का रेशियो आर्करी में, तो 4:1:5, तो इसका मतलब हो गए मेल 300 और फीमेल 75। और 2 और 3 में फिर से यहां आप चाहें तो मेल और फीमेल में बांटेंगे तो 200 और 300। अच्छा, मैंने क्यों इतना लिखा इसीलिए बता रहा हूं, क्योंकि आगे भी आपको काम देगा, ये याद रखना है।
तो चारों खेल में पुरुष टोटल कितने थे जिन्होंने पदक जीते? तो 200 और ये हो गए 300, 500 और ये हो गए 200, 750 और 300, 1050। यानी 1050 लोग पुरुष ऐसे थे जिन्होंने चारों पदक जीते हैं। क्लियर यहां तक? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। दो ट्रेन एक ही समय पर चलती है और एक ट्रेन ए से बी तक और दूसरी ट्रेन बी से ए तक, एक दूसरे को मिलने के बाद, यहां पर थोड़ा सा आप अगर टाइम एंड डिस्टेंस आप पढ़े हैं तो मिलने के बाद, और आप जानते हैं मिलने के बाद पर एक बहुत अच्छा ट्रिक होती है कि दोनों ट्रेन के स्पीड का जो रेशियो होती है वो रेशियो मिलने वाले टाइम के वर्गमूल के रेशियो के बराबर होती है, और जो दूसरी ट्रेन है उसका टाइम ऊपर और जो पहली ट्रेन है उसका टाइम नीचे। तो शॉर्टकट में आप डायरेक्ट कह सकते हैं और आप इजीली यहां कह सकते हैं कि पहले वाले को 25 मिनट लगते हैं तो 25 मिनट को मैंने नीचे रख दिया, और दूसरे वाले को 1 घंटे 40 मिनट, 1 घंटे 40 मिनट को 100 कहते हैं। तो यानी 4 तो 2:1 का क्या हुआ, रेशियो होगा। ए से शुरू होने वाली ट्रेन की स्पीड 36 थी, तो अगर इसकी स्पीड 36 किलोमीटर प्रति घंटे होंगी, इसका मतलब हो गया कि दूसरे ट्रेन की स्पीड 18 किलोमीटर प्रति घंटे थी। आई होप क्लियर है। ये बहुत खूबसूरत सा ट्रिक है, दोनों ट्रिक हमने लगा दिए और अच्छा से काम कर गया, तो इसलिए ध्यान रखना है इस क्वेश्चन का। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल मेरे पास है 55 नंबर, कि शांत जल में एक नाव की गति 17 है, धारा की गति 5 है, आप धारा के विपरीत 18 किलोमीटर जाना चाहते हैं, तो आप ही बताइए। 18 किलोमीटर हो गए डिस्टेंस, 17 है बोट का स्पीड, 5 है करंट का स्पीड, तो विपरीत दिशा में स्पीड माइनस होगी, तो 18 बट्टे कितने हो जाएंगे, 12, 3 बट्टे 2 घंटे, और जैसे ही 3 बट्टे 2 घंटे करेंगे तो 1 आवर 30 मिनट विल बी द आंसर। आप बनाए भी होंगे, आपको समझ आ गया होगा। अगला सवाल जो मेरे पास है क्वेश्चन नंबर 56, एक संगठन में पुरुष और महिलाओं की संख्या का अनुपात 8:5 था, यानी पुरुष की संख्या अगर 8x थी तो महिलाओं की संख्या 5x थी। संगठन में 8 और पुरुष शामिल हो गए तो +8, 10 महिलाओं ने संगठन छोड़ दिया तो -10, जिससे वर्तमान में पुरुष और महिलाओं के बीच का अनुपात 20:11 हो गए। तो 20 × 5 = 100 और 11 × 8 = 88, घटाने के बाद 12x का डिफरेंस हुआ, और 11 × 8 = 88, 20 × 2 = 200, तो ये 288 के बराबर होगा। यानी कोना कोनी गुना करने के बाद बराबर हो जाते, चाहे तो मैं लिख देता हूं 11 × 8 = 88x + 88 बराबर हो जाएगा 100x - 200। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 12 × 2 = 24, 12 × 4 = 48। ठीक है, संगठन में अब पुरुषों की संख्या कितनी है, तो पहले कितनी थी, जाहिर सी बात है 8x, अब कितनी होगी, तो 8 × 24 192, अब +8 यानी कुल 200। तो अब जो वर्तमान में पुरुषों की संख्या है वो 200 पुरुषों की संख्या है। ठीक है, आगे बढ़े। चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, क्वेश्चन में कह रहा है कि 3 लड़कों का औसत 80 kg है, तो जब 3 लड़कों का औसत 80 kg है तो टोटल 240 होंगे। यहां तक क्लियर? इन 240 में सबसे हल्के लड़के चाहिए, सबसे हल्का लड़का कौन है, 3, कितने में, 5 × 3 = 8, 4 = 12 में, तो आप मेंटली कह सकते 60 kg इसका उत्तर होगा। आंसर नंबर 1 इज करेक्ट, 12 × 2 = 60।
24, 20 थी 60, ठीक है भाई। बढ़ो आगे, एवरेज को टोटल में कन्वर्ट कर दिए। एक दुकानदार ने अपनी वस्तु को कितना प्रतिशत अधिक अंकित करे कि 18% के छूट देने के बाद भी 23% का लाभ हो। 18% का छूट देने का मतलब 92 में बेचना, और 23% का छूट मतलब लाभ लेने का मतलब 123 तक। तो आप ही बताइए कितना बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 41, और कितने से बढ़ा के लिखना पड़ेगा, 82 से। तो हम विद इन सेकेंड में आप कह सकते हैं कि 50% मार्कअप ज्यादा करने होंगे। बस आंसर नंबर बी इज करेक्ट। 18% की छूट 82 तक पहुंचा देना हुआ, 23% का लाभ 123 तक चले गए, तो 41 रुपया मार्कअप करना पड़ेगा 82 से। आप मैच करते भी जाएं कि आपके प्रोसेस मेरे प्रोसेस कितने मैच कर रहे हैं। अगर अच्छा लग रहा हो तो जरूर इसको अच्छे से समझने का प्रयास कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर जो 59 है, क्या कह रहा? एक ट्रॉली बैग को 15% के लाभ पर बेचा गया। 15% का लाभ लेकर के आप बेच चुके हैं। अगर 5% मूल्य कम होता तो 37.5 रुपया अधिक में बेचा जाता तो 25% का लाभ होता। 15% का मतलब क्या हुआ? आप आराम से कह सकते हैं कि 100 रुपया की चीज को 115 में बेचा गया, यानी पहले 15% का लाभ हुआ, मतलब अगर सीपी 100 रुपया थे तो 115 में बेचा गया। अगर वह 5% कम में खरीदा होता, यानी कितने परसेंट में खरीदा होता? 95% पे, तो 25% का लाभ होता। 25% का अर्थ होता है कि आप जब इसका 25% निकालेंगे तो 23 चौके 92, 23.75 का लाभ हुआ। तो 118.75 में वो बेचेगा। तो पहले की अपेक्षा अब अगर देखेंगे तो कितना अधिक लाभ, मतलब एक्स्ट्रा हो रहा है सेलिंग प्राइस, 3.75, और क्वेश्चन के हिसाब से कितना अधिक हो रहा है, यानी 10 गुने 37.5। तो जैसे ही 10 गुना बोला तो मैंने इसको भी 10 से गुना कर दिया। इसका अर्थ हुआ कि वस्तु का जो क्रय मूल्य हुआ करता था वो 1000 रुपया हुआ करता था। आंसर नंबर सी इज करेक्ट। 5% कम में खरीदा और उसके बाद 25% लाभ लेकर के बेच दिया। आगे बढ़ूं, अगला प्रश्न आपके पास है, क्वेश्चन नंबर 60, पार्टनरशिप से संबंधित क्वेश्चन है। अजय ने 49,000 रुपया निवेश किया, विनय कुछ महीने के बाद 72,000 निवेश किया। मैं 3 जीरो को अवॉइड करके चल रहा हूं। क्वेश्चन कह रहा है कि लाभ का अनुपात है 7:6 का, ठीक है, ओके। बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। आप भी जानते हैं कि कुछ समय के बाद आया है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये 12 महीने तक रहा फर्म में, और ये कितने महीने तक रहा फर्म में मुझे पता नहीं। कैपिटल इनटू टाइम का रेशियो बराबर हो जाती है, तो मैं यहीं से काट देता हूं 7×7=49, 6 से काट देता हूं तो 6×12, और 12 से ये 12 भी कट जाएंगे, तो पता चला एक्स की वैल्यू 7 आ गया। यहां ध्यान देने वाली बात है कि 7 महीने तक फर्म में पैसा रहा, आया कितने महीने बाद? 5 महीने के बाद आया, यानी वह समय ज्ञात कीजिए जिसके बाद व्यवसाय में विनय शामिल हुआ। तो 7 महीने तक फर्म में पैसा रहा उसका, तो कितने महीने बाद आया? 5 महीने के बाद आया। बहुत आसानी से समझ रहे होंगे। चलिए अगला प्रश्न, क्वेश्चन आपके सामने है चक्रवृद्धि ब्याज से संबंधित, कि 5 वर्ष में कोई धनराशि दोगुनी हो जाती है। दोगुनी को कहते हैं 2^1, कितने वर्ष लग गए? 5 वर्ष। क्वेश्चन कह रहा है कि 64 गुना कितने वर्ष में होगा? 64 गुना कहते हैं मतलब 2^6 को। तो आप ही बताइए कि 1^1 होने में 5 साल अगर लग गए तो 6^6 होने में कितने साल लगेंगे? 6×5=30 साल लगेंगे। विद इन सेकेंड में आप आंसर कह सकते हैं। क्लियर यहां तक? तो आंसर नंबर ए इज करेक्ट, ठीक है।
अगला जो प्रश्न आपका है, अगला प्रश्न है आपका चक्रवृद्धि ब्याज से ही क्वेश्चन संबंधित है। क्वेश्चन कह रहा है कि 8,000 रुपया 10,320 हो जाती है, तो कितना बढ़ रहा आप देख लीजिए, 8,600 से 10,320 हो जा रहे हैं, कितने बढ़ रहे हैं, तो आप देख पा रहे हैं कि बढ़ रहा है 0 और ये 3, 13 में से 7 गया 6, 1,600 रुपया बढ़ रहा, 1,620 कितने से बढ़ रहा, 8,600 से, सॉरी 1,720 बढ़ रहा। यानी 8,600 से ये कितना बढ़ गया, 1,720 बढ़ गया, कितने से, 8,600 से। और आप अगर इसे काटेंगे तो 1/5 आएगा, और 1/5 को ही हम लोग डायरेक्ट क्या बोलते हैं, 20% बोलते हैं। आंसर नंबर डी इज करेक्ट। क्लियर यहां तक? चूंकि यहां पर हमसे पूछा गया रेट क्या है। अगला प्रश्न है कि उन सभी अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा जो 25 से कम है। यहां थोड़ा सा आपको ट्रिकी होना पड़ेगा, 25 से कम कुल अभाज्य संख्या 9 है, 25 से कम कुल अभाज्य संख्या जो है ना वो 9 है, और 9 अभाज्य संख्याओं का जो जोड़ है, प्राइम नंबर का जोड़, हमेशा के लिए याद रख लीजिए 100 होते हैं, आप लिख के भी जोड़ेंगे ना तो 100 ही होगा, तो 9 अभाज्यों का योग कितना होता है, 100 होता है। वैसे आप लिस्ट बना करके भी लिख सकते, तो 25 अभाज्य संख्याओं, 25 से कम अभाज्य संख्या 100 हो गए, और कुल 9 अभाज्य है तो औसत उसके कितने हो गए, 100/9। और एसएससी एस्पिरेंट होने के नाते इतनी बात तो याद होनी चाहिए कि 25 तक में कुल कितने अभाज्य होते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न मेरे पास जो है वो दिया हुआ है 16x² जो कि 4x का होल स्क्वायर है, आई होप समझ रहे होंगे, 5y का होल स्क्वायर है, और मैं अगर उधर से इधर इसको लाऊं तो आपको दिखाई देगा 2×4x×5y जो कि बराबर 0 हो जाएगा, तो ये a-b का होल स्क्वायर हुआ। तो x/y की वैल्यू कितने हो गई, 5/4, बस इतना ही पूछ रहा, तो x:y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5:4 का रेशियो हो जाएगा। अगला सवाल, अगला जो क्वेश्चन है मेरे पास में 65 नंबर, वो क्वेश्चन ये कह रहा है कि x प्लस 1 बाई एक्स की वैल्यू है √3। जैसे ही ये √3 दिखाई दे, पहला स्टेप एकदम डायरेक्ट आंसर होती है, x³ + 1/x³ की वैल्यू 0। ऑलवेज रिमाइंडर, ये ध्यान हमेशा रखिएगा कि x³ + 1/x³ का जो मान होता है वो क्या होती है, हमेशा के लिए 0 होती है। इससे कई रिजल्ट निकल के आ जाते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं कह सकता हूं कि x⁻⁶ की वैल्यू -1 के इक्विवेलेंट होती है, और x की वैल्यू अगर -6 के इक्विवेलेंट होती है तो आपके पास में अगर डेटा पूछा गया कितने के बराबर, x⁶ + 1/x⁶, तो हरेक 3 का पावर जो होगा वो 0 दे देगा, तो इसका अर्थ हुआ कि इसमें कितने 3 के पावर है उतने हटा दीजिए, तो आप कहेंगे कि x³ में 63 हट जाएगा, मैं अगर 3 के पावर में ब्रेक करूं तो 21 + 63 + 2 होंगे कि नहीं होंगे, तो हरेक 3 का पावर जो वैल्यू अगर देगा तो 6 के टर्म में ब्रेक कर सकते हैं, ये भी कर सकते, तो आप इसे 6 के टर्म ब्रेक करें या ऐसे भी करें, एक तो तरीका ये हुआ। दूसरा क्या है कि जैसे ही ये x+1/x की वैल्यू √3 है तो क्यूब का मान तो हमेशा के लिए क्या हो गया, 0 हो गया, तो अगर मैं ये कहूं कि x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी,
आप क्या कहते, ए स्क्वायर माइनस टू यानी एक हो जाती। अब मजे की बात यह है कि अगर फिर से इसका अगर हम स्क्वायर करने जाएं तो एक्स का पावर फोर प्लस वन बाई एक्स का पावर फोर, तो फिर ये बन जाएगा माइनस वन। आप ध्यान से देखिएगा, फिर जब हम इसका स्क्वायर करने जाएंगे तो एक्स का पावर आठ प्लस वन बाई एक्स का पावर आठ, तब फिर ये क्या हो जाएगा प्लस वन, यानी माइनस वन है और इधर से स्क्वायर प्लस वन, अब फिर जो माइनस टू होगा वो उधर जाकर के क्या बन जाएगा प्लस टू, यानी थ्री हो जाएगा। यानी कहने का सेंस, हर एक टर्म में एक बार हुआ प्लस वन, जैसे इसका हमने स्क्वायर किया फिर माइनस वन प्लस वन, इस तरीके से जाएगा। लेकिन मुझे तो निकालने हैं 65 टर्म का, मैं तो मैं क्या करता हूं, एक्स का पावर छह का मान मुझे पता चल गया माइनस वन होते तो मैं ब्रेक कर देता हूं, तो एक्स का पावर छ गुने दस, ठीक है। अब आइए प्लस में, दस प्लस पांच, अब फिर क्या हो गया वन बाई एक्स का पावर छ गुने दस प्लस पांच। तो गौर कीजिए, एक्स का पावर जो छ होंगे उसका आंसर कितने के बराबर है मेरे पास, माइनस वन के बराबर है। तो मैं इसे कैसे लिख सकता हूं, एक्स का पावर छ दस और गुने एक्स का पावर पांच, अब फिर से क्या है वन बाई एक्स का पावर छ दस और गुने कितना एक्स का पावर पांच। तो आप तो समझ गए होंगे कि ये तो माइनस वन दे रहा हमेशा, तो प्लस वन ही हो जाएगा। तो इनडायरेक्टली आपसे क्या पूछ दिया, एक्स का पावर पांच प्लस वन बाई एक्स का पावर पांच। तो आपके पास में क्यूब के टर्म मिल गए, आपके पास में स्क्वायर के टर्म मिल गए। जैसे ही ये दोनों गुना होती है वैसे ही इसका आंसर क्या देगा, जैसे ही गुना करेंगे तो x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 5। ध्यान से देखिएगा, अब फिर ये इससे गुना होगा तो क्या दे देगा, x प्लस 1 बाई एक्स, जो वैल्यू होगा किसके, x का पावर 5 प्लस 1 बाई एक्स का पावर किसके 5 के, यानी ये दोनों को हमने गुना किया किसके साथ किया, स्क्वायर और क्यूब के साथ किया। तो गुना किसको हम लोग किए थे, x का पावर 3 प्लस 1 बाई एक्स का पावर 3 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर। तो ये तो पूरा का पूरा मान ही जीरो हो जाएगा क्योंकि इसका एक टर्म जीरो है। इसका मान अगर पूछे गए तो इसका आंसर कितना आपका है, रूट थ्री है। तो इसका अर्थ हुआ कि जब उधर चला जाएगा इसका आंसर किसके बराबर हो जाएगा, माइनस रूट थ्री के इक्विवेलेंट हो जाएगी। तो जब कभी भी इस तरह के सवाल दे तो एक तो डायरेक्ट क्यूब करके जीरो ला सकते हैं, उसके बाद आप कंटिन्यू स्क्वायर क्यूब करके निकाल सकते हैं, लेकिन जब बड़े बड़े पावर होते हैं तो उसको ब्रेक करना जरूरी पड़ता है। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल जो मेरे पास है वो छुपन छुपाई का खेल आपके साथ खेल लिया। एक्चुअली में क्वेश्चन ये है आपके सामने, मैं इसे टेन 45 डिग्री लिख सकता हूं कि नहीं लिख सकता हूं, आप ही बताइए। वन की जगह पर ओके, फिर टेन 25 डिग्री है, टेन 45 डिग्री को जो हमने वन ही रख दिया यहां पर, और यहां पर मैंने क्या किया, टेन 45 जिसको वन ही कहते हैं इंटू टेन 25। अब आप देखिए ये फॉर्मूला कौन सा हुआ, टेन ए प्लस बी अपॉन वन माइनस टेन ए इंटू टेन बी, जो किसके बराबर होगा, आप सब जानते हैं कि टेन 45 प्लस 25 के बराबर होगा, और 45 और 25 होते हैं 70 डिग्री। तो हम क्या कहेंगे कि इसमें जो वैल्यू है वो टेन थीटा में थीटा का मान कितने के बराबर हो जाएगा, यहां पर पॉइंट मिसिंग है थीटा, इसका 70 डिग्री। क्लियर है, चलिए अगला प्रश्न की ओर। क्वेश्चन हमारे सामने है कि 5 से कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 sec स्क्वायर थीटा, याद रखिएगा
कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 5 सेक स्क्वायर थीटा में अगर हमें निकालने हैं मिनिमम वैल्यू तो 5 कॉमन ले लीजिए, और हमेशा याद रखिएगा 2 रूट ए बी के बराबर देता है मिनिमम वैल्यू, 5 कॉमन ले लिए तब, तो ये हो गए 5 × 10 इस तरह। अगर आप चाहें तो आप ऐसे भी बना सकते थे जो आप रूल किताब का रटे होंगे, रूट अंडर कोफिशियंट 5 × 5, ऐसे भी आप कर सकते हैं तो भी आपका उत्तर आ जाएगा 2 × 5 = 10। ठीक, चलिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न में मेरे पास है कि क्वेश्चन को ध्यान से अगर देखिएगा, ये जो वैल्यू है मेरे पास में ये है 21x/x, तो 21 बच जाएगा। अब -9 अगर कॉमन ले लूं तो 1/x, ध्यान से देखिए, फिर दूसरे वाले में भी 21 बचेगा, -9 कॉमन ले लिया मैंने, तो कहने का सेंस क्या हुआ, फिर से 1/y और फिर से 1/z और 3 × 21 बच जाती है, तो मैं यहां पर तीनों 21 कर देता हूं बराबर में 0, तो 9 × 7 = 63, तो जो आंसर 1/x प्लस 1/y प्लस 1/z की वैल्यू 7 के बराबर हो, और 7 के बराबर हो गई तो ये हमारा है 7 और ये 64 का वर्गमूल 8, तो 8 और 7 = 15 इसका क्या हो जाएगा उत्तर हो जाएगा 21 21 21, 63 9/x 9/y 9/z 9 विल बी कॉमन। एक सम चतुर्भुज की प्रत्येक भुजा यानी रोम्बस, तो ये तो बहुत इजीली हम कैलकुलेट कर सकते थे, क्योंकि हम जानते हैं कि रोम्बस के चारों भुजा आपस में बराबर होते। अगर मैं कहूं कि ये 12.5 है तो ये भी कितना होगा 12.5, चारों के चारों साइड क्या हो जाएंगे 12.5 ही हो जाएंगे। ठीक है, एक विकर्ण 15 है तो ये कितना हो जाएगा 15/2, ये भी हो जाएगा 15/2, ये कितना हो जाएगा x और ये कितना होगा x। मुझे पूछ रहा है कि जो दूसरा विकर्ण की लंबाई क्या होगी, तो आप जानते हैं कि x² प्लस 15/2 का होल स्क्वायर, तो मैं सीधे 225/4 पाइथागोरियन ट्रिपलेट की तरह, और ये हो जाएगा 625/4, यानी इसको भी मैंने कर दिया आधा। ठीक है, तो जब ये 225 घट जाएगा 400, x की वैल्यू आपकी आ जाएगी 10, तो अगर ये 10 आ गया तो ये भी कितने हो जाएंगे 10 हो जाएंगे, तो दूसरे विकर्ण की लंबाई जो हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी 20 के इक्विवेलेंट हो जाएगा। क्लियर है, ओके। अगला प्रश्न जो मेरे पास है 70 नंबर की, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ए बी सी डी एक चतुर्भुज है, ये मान लिया ए, ये है बी, ठीक है, और ये चतुर्भुज है ए डी पैरेलल टू बी सी, ठीक है, ये सी है और ये डी है। क्वेश्चन कह रहा है कि ई ए बी पर एक पॉइंट है और ऐसा पॉइंट है जो सी ई पैरेलल टू क्या हो जा रही है ए डी हो जा रही है, और डी ए ई का मान 55 डिग्री है, अगर ये 55 डिग्री है और ये लाइन भी पैरेलल ही है इस लाइन के, तो आराम से कह सकते हैं कि ये भी 55 डिग्री होगा, और ये 55 डिग्री होगा तो ये भी 55 डिग्री होंगे, ऊपर से पैरेललोग्राम बन रहा, तो मैं इसे अगर आगे प्रोसीड कर दूं तो ये भी मेरा 55 डिग्री ही होगा। क्लियर यहां तक, डी ए ई का मान 55 डिग्री, डी ए ई का मान 55 डिग्री, तो हमसे पूछ रहा है डी सी ई का मान, तो आप तो समझ ही गए होंगे कि 55 55 क्या हो जाएंगे 110, क्योंकि पैरेललोग्राम है तो आगे हम प्रोसीड कर सकते थे, 110 तो ये कितने डिग्री के बराबर हो जाएगा 70 डिग्री के बराबर।
क्लियर यहां तक? ठीक है, आगे बढ़ो। अगला प्रश्न है आपके सामने में 71 नंबर कि एबीसी का परिकेंद्र ओबीसी, परिकेंद्र का अर्थ होता है कि एक वृत्त जो है वो किसी त्रिभुज के तीनों वर्टेक्स से होकर गुजरती है। ये ओ इज द सेंटर, ओबीसी, ओ बी और सी, यानी ये वाली कोण 37.5 डिग्री है। और आप भी जानते हैं कि अगर ये 37.5 डिग्री है तो दोनों की त्रिज्या आपस में बराबर होती है, ये भी 37.5 होगा, तो 37.5 और 37.5 हो जाते हैं 75। ये जो एंगल हो जाएंगे ये 105 डिग्री, और केंद्र पर बना हुआ कोण परिधि पर बने हुए कोण का दुगुना होता है, तो ऑब्वियस सी बात है कि ये 52.5 डिग्री होगी। यहाँ की वैल्यू बी है, यहाँ की वैल्यू सी है, यहाँ की वैल्यू ए है। तो क्वेश्चन हमसे पूछा बी ए सी का मान कितना डिग्री होगा, तो 52.5 डिग्री। आई होप क्लियर है, बढ़ता हूं आगे। अगला सवाल है, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या बताइए जो 33 से पूर्णतया विभाजित हो, और 33 से पूर्णतया विभाजित होने के लिए मुझे 3 और 11 से कटने पड़ेंगे। अब रही बात की सबसे बड़ी संख्या है जो 3 और 11 से भी कटनी चाहिए। 11 के कटने का नियम आप जानते हैं कि प्रथम और तीसरे नंबर का जो वैल्यू होगा, तो 9 सबसे बड़ी संख्या से शुरू करता हूं, 9, 9, 18, 9, 27 और 9, 9, 18, 9 का अंतर है, 11 के विभाज्यता का नियम लगा रहा हूं, 9, 9, 18, 6, 24 और 9, 9, 18, 6 का अंतर है, ये भी नहीं होगा, 9, 9, 18, 3, 21 और 9, 9, 18 ये भी नहीं होगा। इसका मतलब एक ही नंबर है ये जो कि 11 से भी कट रहा है, और 11 से कट रहा है इसका मतलब वो 3 से भी कट रहा है। इसका मतलब 33 से पूर्णतया विभाजित होने वाली संख्या 99,990 है। 11 की विभाज्यता का नियम यहां पर लगा है। इसके तो क्वेश्चन ही मिसिंग है, आप सबके पास तो क्वेश्चन होंगे ही। 73 नंबर के क्या था क्वेश्चन, मैं जरा देख लूं। इसके फॉन्ट मिसिंग है, मैं लिख देता हूं क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन था आपका 7√5 गुणे सॉरी 7√7 गुने 7 का पावर 5, आप सबके हाथ में क्वेश्चन होगा ही, मेरे हाथ में नहीं था, डिवाइड बाय 7 का पावर -5/2 बराबर 7 का पावर x+3। ये क्वेश्चन है जिसका फॉन्ट वहां पर मिसिंग। तो ये वैल्यू जो है वो 7 का पावर कितना है, पावर 1 है, 1/2 है, तो ये 3/2 होगा, प्लस में ये कितने होंगे 5 होंगे, और ये माइनस ऊपर जाकर के प्लस बन जाएगा, 5/2 होगा, जो कि 7 के पावर x+3 के बराबर होगी। तो 5 × 10, 5 × 15 = 18, 6, तो x+3 का वैल्यू 6 के बराबर होगा, तो x का मान 6 में से 3 गए, 3 के बराबर। मैं एक बार फिर से चेक कर लेता हूं, 5 × 10, 5 × 15 = 18 भागा 2 9 होती है, सॉरी 9 होगा, 9 में से 3 गया, 6 के बराबर। तो x की जो वैल्यू हो जाएगी वो कितने के बराबर होगी, 6 के बराबर होगी। ठीक है, अगला प्रश्न जो आपका है ये आपको ऑलरेडी हमने बना करके दे दिया था,
तो इसके ग्राफ को आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन कह रहा है सभी पुरुषों और सभी महिलाओं द्वारा जीते गए पदकों की संख्या। मुझे जहां तक याद है, आज ही के डिस्कशन में मैंने डील किया, मुझे यहां तक याद है, शायद मैं अगर गलत ना हूं, तो 1050 हम लोग आंसर दिए थे इस ग्राफ के पुरुषों की संख्या। आपके पास कॉपी है, चेक कर सकते हैं, हमको जहां तक याद है। और टोटल 2500 लोग थे, जिसमें कि यहाँ पर एरर था, ये आपको याद होगा। तो 2500 में से 1050 गए, तो 1400 इन 1300, 2500 इन 1450, 1450 महिलाओं की संख्या होगी। तो हम डायरेक्टली कर देता हूं 21:29। इसलिए मैंने कहा था कि ये क्वेश्चन के डेटा आपको याद रहना चाहिए, जो ध्यान पर ध्यान, चूंकि ऑलरेडी हमने सिंप्लीफाई कर दिया था ये। ठीक, क्वेश्चन कह रहा है तीन व्यक्ति वृत्ताकार मैदान पर खड़े एक साथ चक्कर लगाते हैं, एक 240 सेकंड में, 240 सेकंड में, 240 सेकंड को हम लोग कहते हैं 4 मिनट। आई होप इतना क्लियर है। 300 सेकंड को कहते हैं 5 मिनट, और 360 सेकंड को कहते हैं 6 मिनट। और आप जानते हैं कि तीनों का जो कॉमन टाइम एक ही बिंदु पर दोबारा मिलना हो, तो उसके लिए समय का लॉसो ले लेते हैं। तो 6, 5 और 3, 4 का लॉसो 60 सेकंड होगा। तो आपका जो उत्तर होगा कि 60 सेकंड के बाद वो दोबारा उसी जगह पर फिर से मुलाकात करेंगे। चलिए मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए आप सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम यूसी झा, उदय सत। मिलते हैं अगले सेट में फिर से एक नए सेट को लेकर के, और अगर सारी चीजें अच्छी रही तो मेंस में आपकी मुलाकात हमसे जरूर होगी। बाय बाय।